बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें। और अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो मैंने आई बटन में लिंक लगाया है, इसको देखें। और अगर कोई सिलाई में मसला आ रहा है तो कमेंट में बताएँ। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी काफ्तान सिलाई करना और काटना। उसके लिए कोई इतनी मेहनत की ज़रूरत नहीं है। दुपट्टा लेना है आपने, घर में आपके पास दुपट्टे काफ़ी होते हैं जो सूट के अलावा पड़े रहते हैं, तो उनको करना है। ये डबल किया, ये देखें, अक्सर कंप्लीट दुपट्टे होते हैं। किसी को लेस लगी होती है, किसी को रिबन लगा होता है, दुपट्टे कंप्लीट होते हैं, उनको लेना है। आपने सिर्फ लेंथ देखनी है, आपको लेंथ कितनी चाहिए, चौड़ाई उसकी हमारे पास उतनी रहेगी। ये हमने दुपट्टा ले लिया। अब हमने इसके सिर्फ गला काटना है और ये हमारी कमीज सिलाई हो गई। गले के लिए हमें चाहिए 3 इंच, हमें इसकी चौड़ाई चाहिए और लंबाई इसकी हमें चाहिए 10 इंच। हमने लंबाई ले ली है इसकी और आगे से हमने 1/2 इंच रख के इसको ऊपर तक हमने काट लेना है। ये सिर्फ हमने फ्रंट काटनी है, बैक बिल्कुल सिंपल रहेगी। बैक को ऊपर से हमने इसको काट लेना है। ये देखें बिल्कुल यहाँ से बराबर किया। गला कोई सा भी बना लें, बैन वाला बना लें, गोल बना लें, वी बना लें, जिस तरीके का आपने गला बनाना हो वो बना सकती हैं। ये हमने ऊपर से यूं कट का निशान लगा के अलग अलग कर लिया, ये अलग कर लिया। ये हमारे पास निशान था 10 इंच का, ये हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। 10 इंच लेंथ रख के 1/2 इंच यहाँ से लेनी है, फिर यहाँ से निशान लगा के हमने ये इसको कटिंग करनी है। सिर्फ ये हमने फ्रंट का गला काटना है, बैक हमारी ये देखें बिल्कुल सीधी है, इसकी कटिंग नहीं करनी। ये आम दुपट्टे घरों में होते हैं, पड़े हुए घर में दुपट्टे पड़े होते हैं उनकी। ये काफ्तान कमीज हम आपको सिलाई करना बताएंगे। ये कटिंग हो गई है, अब हम इसकी सिलाई करेंगे। अब हमने गला बनाने के लिए ये चेप ली है, ये 1 इंच से थोड़ा सा ऊपर है। ये हमने इसकी चौड़ाई ली है, तो लंबाई हमारे पास है 35 इंच हमारे पास लंबाई है इसकी और 1 इंच से ऊपर चौड़ाई है। अब हमने इसको प्रेस करना है। ये एक्स्ट्रा पीस हमारे पास था, इसकी लेंथ कम की है। आपने ये ख्याल रखना है जितनी आपको लेंथ चाहिए आपने उतनी ही लेंथ रखनी है दुपट्टे की, नीचे से बाकी काट दें। ये हमने जब चिपकाना है सिलाई का मार्जिन रख के, फिर हमने इसको इसके साथ चिपका दिया। हमने सिलाई का मार्जिन रखना है, बाकी हमने काट लिया। अब हमने इसको डबल कर लिया। अब हमने इसको काट लेना। ये काफ्तान ज़्यादा रेशमी कपड़े में ये अच्छा लगता है, जैसे कि ये शिफॉन के दुपट्टे हैं आपके पास, उसका बना लें। सादा शिफॉन ले लें, लॉन के दुपट्टे का बनाएंगे आप तो वो चिपक जाएगा। शिफॉन के दुपट्टे का ये है कि शिफॉन के दुपट्टे का बने, शिफॉन के कपड़े का बने तो वो अच्छा रहता है, वो चिपकता नहीं है। ये हमने कपड़ा काट लिया, ये जो सेंटर था हमारे पास ये सेंटर आ गया। अब हमने यहाँ कट का निशान लगा देना है। अब हमारे पास ये कमीज़ है, कमीज़ के भी ये हमने कट का निशान लगा लिया। बहुत आसान तरीका है इसका सिलाई का। ये हमने यहाँ रख लिया गले का हिस्सा और ये जो कट का निशान लगाया था ये भी हमने इसके ऊपर, ये कट के निशान के ऊपर हमने ये रख लिया। इसको बराबर रखना है। ये जो कट का निशान था कमीज़ का, उसके ऊपर ही ये जो पट्टी हमने बनाई है वहाँ भी कट का निशान लगाया है। ये हमने डबल दोनों को रख के आपस में ये सिलाई करनी है। हल्का सा इसको खींचना है पीछे से, सुई को अंदर ही रहने देना है। अब इसी तरह हमने इस साइड पे भी सिलाई लगा देनी है, सेंटर में रख के लगाना है।
ये दोनों तरफ से हमारी सिलाई लग गई। ये देखें, ये आया हमारे पास इसका सेंटर। याद ये रखें कि यहाँ हमने सिलाई नहीं लगानी, यहाँ कंधों पे सिलाई नहीं आएगी। अगर आपकी लंबाई ज़्यादा है दुपट्टे की तो उसको नीचे से बराबर रख के काट लीजिएगा, ऊपर से नहीं काटना। ये देखें हमने इस तरह कर लिया, एक ऊपर और एक नीचे आएगी। अब हमने यहाँ सिलाई लगा देनी है। यहाँ जो ये हम पट्टी रखेंगे, यहाँ निशान लगा लेंगे, क्योंकि हमारे पास ये सिलाई बिल्कुल सीधी आए। पहले हमने ये रफ लगा लेनी है, ये रफ सिलाई लगा ले। अब हमने ये जो सिलाई छोड़ी थी यहाँ से शुरू करनी है। पहले हमने देख लेना कि हमारे पास ये सही अटैच हो गया है, फिर हमने एक्स्ट्रा कपड़ा काटना है। अब हमारे पास गले की ये सूरत हाल है। ये देखें, ये कर ली है। अब ये गला डीप है, इसके अंदर हमने ये देखें कपड़े पे चेपी लगा के चिपकाया हुआ है। ये देखें, ये इस तरह चिपका लिया है। चिपका के हमने इसके अंदर रखना है, हमें जितनी गहराई चाहिए उतनी रख के उसके मुताबिक ये हम रख लेंगे। ये इंच स्टेज से हमने नाप लेना है, ये कंधे से लेके 5.5 है, इधर भी 5.5 है। ये हमारा मुकम्मल गले की शेप का ये हो गया हमारे पास। अब हमने इसको रफ कर लेना है थोड़ा सा। अब हमने इसके ऊपर रख के सिलाई लगा देनी है। हमने ये किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है, कमीज़ के कपड़े पे सिलाई आए। ये 5.5 इंच हमने गहराई इसकी ली है गले की। फिर इसके अंदर कपड़ा रख के अब हमने इसकी सिलाई शुरू कर देनी है किनारे किनारे पे। ये सिलाई लग गई। अब हमने बाहर से एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो हमने काट लेना है। ध्यान से कटिंग करें। ये देखें गला हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने इसकी फिटिंग की सिलाई लगानी है। आम कमीज को हम उल्टी साइड से सिलाई लगाएंगे, इसको हम सीधी साइड से सिलाई लगाएंगे। ये सीधी साइड से हमने इसकी सिलाई लगानी है, इसको हमने ये सीधा कर लिया। अब हमने 9 इंच लेना है इसका कंधा हमने, और यहाँ से चेस्ट हमारी है 10 इंच, 20 इंच हमारी मुकम्मल है, 10 इंच हमने कर ली। अब हमने क्या बनाना है इसकी शेप, इस तरह आगे से हम लेंगे। 9 इंच ले लिया हमने, ये 9 इंच की शेप हमने पीछे से 10 इंच लिया, 9 इंच की ये है। हमने इसको बिल्कुल ये सीधा लगा लिया, ये 20 इंच तक हमारा ये आएगा फिटिंग हमारी, ये 20 इंच की। अब हमारी कमर 14 इंच है, 18 इंच हमारी कमर है, इसको हमने ये शेप दे दी। ये इस तरह हमारी शेप आएगी। अब हमने हिप की भी लगा देनी है साथ ही। हिप की हमारे पास होगी 13 इंच लंबाई, और हिप हमारे पास है 24 इंच। ये कमर है, कमर 18 इंच है, 20 इंच हमारी ऊपर चेस्ट है। ये हमने यू शेप दे देनी है। आगे से ये 10 इंच हमने बाजू रख लेने हैं, आगे 9 इंच इसकी ये गुलाई शेप आएगी, आगे से बाजुओं की शेप आएगी। अब हमने इसी तरह यहाँ हाथ रख के इसकी कर लेनी है फिटिंग पीछे वाले की। फिटिंग का निशान लग गया अब हमारा है। अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। आम कमीज को हम उल्टी तरफ से सिलाई लगाते हैं, ये काफ्तान है इसको हम सीधी साइड से सिलाई लगाएंगे।
ये देखिए काफ्तान की फिटिंग वाली सिलाई यहाँ से शुरू होती है, ये नज़र आ रही है इसी तरह, और दूसरी तरफ भी इसी तरह सिलाई लगी हुई है हमारी। ये कंप्लीट काफ्तान बन गई है। ये गला है इसका, ये सारा जो है साइडों पे जिस तरह दुपट्टा कंप्लीट हो उसी तरह वो बना लेनी है। लंबाई जो है उसकी आपने खुद देखनी है कि लंबाई जो है हमारे पास कितनी होनी चाहिए, तो दोनों तरफ से वो फिर काट लेनी है आपने। ये हमारा कंप्लीट काफ्तान हो गया है। देखिए कम वक्त में ये सिलाई हो गया है और इस पे टाइम भी इतना नहीं लगता, सिर्फ ये फिटिंग की सिलाई और गला बनाना है, बाकी तो सारा तैयार मुकम्मल दुपट्टा होता है। तो ये हमारा तकरीबन 10-15 मिनट में ये कमीज सिलाई हो जाती है। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।